हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही इजी डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए ये डिजाइन आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए डिजाइन सिर्फ ट्यूबेल रोज का डिजाइन है, आपको ये ट्यूबेल रो रिपीट करते जाना है 1 से 2 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 5 + 4 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 5 + 4 + 2। देखिए रॉन्ग साइड पे से दिखता है ये डिजाइन, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 5 2 × 5 = 10 + 4 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एड स्टिच करके टोटल 16 फंदा डाला है। देखिए रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो 1 में आपको देखिए राइट साइड सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। एड स्टिच स्लिप करके धागा पीछे करके आपको अब सीधा बुन के सब कंप्लीट करना है। देखिए रो 1 कंप्लीट कर लिया है। रो 2 रॉन्ग साइड आपको देखिए सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रॉन्ग 2 कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए रो 3 राइट साइड एज स्टिच आपको स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से फर्स्ट में 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4 फंदा सीधा। अब यहाँ पर आपको देखिए एन ओवर करना है, फिर 1 फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर 4 फंदा सीधा, एन ओवर, 1 फंदा सीधा। देखिए फिर से रिपीट करना है, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर एन ओवर, फिर 1 फंदा सीधा। देखिए दो रीजन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको 5 फंदा बचेगा, 4 फंदा सीधा बुनना है एक्स्ट्रा स्टिच, 2 3 4, फिर एज स्टिच भी आपको सीधा ही बुनना है राइट साइड पे। अब देखिए रो 4 रॉन्ग साइड एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको देखिए एन ओवर में आपको 5 फंदा निकालना है उल्टे की साइड से, 1 एन ओवर 2 3 एन ओवर 4 5। फिर देखिए अब आपको यही रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर 1 फंदा में आपको इस एन ओवर फंदा में आपको 5 फंदा निकालना है। अब यही रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। फिर देखिए इस एन ओवर में 5 फंदा निकालना है, 1 एन ओवर 2 3 एन ओवर 4 5। अब देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको 6 फंदा बचेगा, सॉरी 5 फंदा बचेगा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर एक्स्ट्रा सॉरी एज स्टिच भी उल्टा बुनना है। अब देखिए रो 5 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से 4 फंदा सीधा, 1 2 3
अब यहाँ पर आपको देखिए इस पांच फंदा, इस एक फंदा में पांच फंदा निकाला है, फंदा ही देखिए 1 2 3 4 5, ये पांच फंदा और पीछे के सीधा फंदा को इस टोटल ये पांच यार एक छह फंदा को आपको बैक लूप से छह फंदा को एक फंदा बनाना है। देखिए देखिए इस पांच फंदा लेना है से, फिर पीछे के एक फंदा भी ऐसे लेना, लेकर छह का एक बनाना है। सो देखिए बीच में आपको इससे बबल बनाना है। अब देखिए अब आपको ये रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर चार फंदा सीधा, फिर छह फंदा के एक फंदा बना के आपको इससे बबल बनाना है। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, चार फंदा सीधा 1 2 3 4। अब देखिए पांच फंदा और पीछे के एक फंदा, छह फंदा को एक फंदा बनाना है सिर्फ बैक लूप से। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। फिर लास्ट में आपको देखिए पांच फंदा बचेगा, चार फंदा सीधा बुनना है 1 2 3 4, एक्स्ट्रा स्टिच है, फिर एज स्टिच भी आपको सीधा ही बुनना है। अब देखिए रो 5 कंप्लीट कर लिया है, रो 6 रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 6 कंप्लीट कर लिया है, अब देखिए रो 7 राइट साइड आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। रो 7 भी कंप्लीट कर लिया है, रो 8 रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 8 कंप्लीट कर लिया है, रो 9 राइट साइड। अब देखिए अब आपको इस बबल को, आपको इस डिजाइन को एक्सचेंज करना है, इस डिजाइन को आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बनाना है। देखिए राइट साइड रो 9 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से फर्स्ट में दो फंदा सीधा 1 2, फिर एन ओवर करना है, फिर तीन फंदा सीधा 1 2 3। अब यही रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर दो फंदा सीधा एंड ओवर तीन फंदा सीधा। देखिए फिर से रिपीट, फर्स्ट में दो फंदा सीधा 1 2, फिर एंड ओवर तीन फंदा सीधा 1 2 3। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको देखिए पांच फंदा बचेगा, क्या करना है, फर्स्ट में दो फंदा सीधा 1 2, फिर एन ओवर फिर से दो फंदा सीधा 1 2, फिर एज स्टिच भी आपको सीधा ही बुनना है। देखिए रो 9 कंप्लीट कर लिया है, रो 10 रॉन्ग साइड एज स्टिच कंप्लीट सॉरी स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा उल्टा फर्स्ट में 1 2, फिर इस एन ओवर में आपको देखिए उल्टे से आपको पांच फंदा निकालना है 1 एन ओवर 2 3 एन ओवर 4 5, फिर देखिए तीन फंदा उल्टा 1 2 3। अब आप ये रिपीट करते जाना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर दो फंदा उल्टा एन ओवर में आपको पांच फंदा निकालना है, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर से रिपीट दो फंदा उल्टा 1
दो, फिर देखिए इस एनोवर में पांच फंदा निकालना है, एक एनोवर, दो तीन एनोवर, चार पांच, फिर देखिए तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको दो एनोवर, तीन, चार, पाँच, छः फंदा बचेगा, क्या करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए एनोवर में आपको यहाँ पर भी पांच फंदा निकालना है, एक एनोवर, दो तीन एनोवर, चार पाँच, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर एज स्टिच उल्टा। अब देखिए रो 10 कंप्लीट कर लिया है, रो 11 राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, अब ऐसे दो फंदा सीधा, एक दो। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये पांच फंदा और पीछे के एक फंदा, छह फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। देखिए अब तीन फंदा सीधा, एक दो, सॉरी दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर दो फंदा सीधा, छह फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, दो फंदा सीधा, एक दो। अब देखिए पांच फंदा और पीछे के एक फंदा, छह फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। अब देखिए दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करते जाना है, देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको देखिए दो, ये पांच और फिर ये दो, ये एक फंदा एज स्टिच। अब आपको देखिए क्या करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर देखिए पांच फंदा और पीछे के एक फंदा, छह फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लूप से। फिर एक फंदा सीधा, फिर एज स्टिच भी सीधा बुनना है। देखिए रो 12 रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 12 भी कंप्लीट कर लिया है, 12 रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। आपको 1 से 12 रो तक ही रिपीट करते जाना है, फिर से ऐसे आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।